back. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन हुकूमत ने ओंटेरियो सूबे के साथ $3 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत। लोगों को जल्द इलाज तक रसाई को यकीनी बनाया जा सकेगा। ओंटेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने मुआहदे को तारीखी करार दे दिया। कैनेडा मुमकिना दूसरी मुद्दत की तैयारी के लिए अमरीका में ट्रंप के इत्तेहादियों से बात कर रहा है। अमेरिका में तैनात कैनेडियन सफ़ीर का कहना है कि कैनेडा नई अमेरिकी हुकूमत से मजबूत ताल्लुकात का ख्वाह है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों जमातों के साथ बातचीत जारी है। कैनेडा में गाड़ियों की चोरी रोकने के लिए जल्द इकदाम करेंगे। कैनेडियन पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर का कहना है कि हुकूमत की कोई भी सतह इस मसले को खुद हल नहीं कर सकती। मुनज़्ज़म जुराइम से मुंसलिक अफराद के लिए सख्त मुजरिमाना सज़ाएँ देने के लिए तैयार हैं। Headlines आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। वेलकम बैक। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने बुनियादी देखभाल तक रसाई बढ़ाने और इंतज़ार के औकात को कम करने के लिए वफाकी हुकूमत के साथ $3.1 बिलियन की हेल्थ केयर डील पर दस्तखत किए हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने बुनियादी देखभाल तक रसाई बढ़ाने और इंतज़ार के औकात को कम करने के लिए वफाकी हुकूमत के साथ $3.1 बिलियन की हेल्थ केयर डील पर दस्तखत किए हैं। इस माहदे का ऐलान वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने किया। उनका कहना था कि ओंटेरियो को पांचवा सूबा बना दिया जिसने ऑटावा के साथ $200 बिलियन के सेहत के माहदे के अपने हिस्से के लिए माहदा किया। माहदे वाले दीगर सूबों में ब्रिटिश कोलंबिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, अल्बर्टा और नोवा स्कोशिया शामिल हैं। यह ऐलान ओंटेरियो में कैनेडा हेल्थ ट्रांसफ़र के लिए इजाफी $46 बिलियन की फंडिंग के साथ सेहत की देखभाल की अदायगी के लिए दोनों हुकूमतों के उसूली तौर पर 10 साल माहदे तक पहुंचने के तकरीबन 1 साल बाद सामने आया है। वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत से अपने सेहत के बजट के 35% को पूरा करने के लिए अपनी सालाना सेहत की मुंतकली में इजाफा करने के लिए कह रहे हैं, जो कि 22% से जायद है। इस किस्म का इजाफा तकरीबन $28 बिलियन सालाना होगा। इसके बाद सालाना 5% इजाफी होगा। माहदे के एक हिस्से के तौर पर सूबों को खानदानी सेहत की खिदमत तक रसाई को बढ़ाने, हेल्थ वर्कर्स की मदद करने और बैकलॉग को कम करने, जहनी सेहत और मादों के इस्तेमाल में मुआवनत बढ़ाने और डिजिटल टूल्स को शामिल करने के लिए अपने सेहत के देखभाल के निज़ाम को जदीद बनाने पर इत्तेफाक करना पड़ा। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि नस्लों से आलमी सतह पर काबिल रसाई सेहत की देखभाल उसका बुनियादी हिस्सा रही है कि कैनेडियन होने का क्या मतलब है। ये इस वादे पर बनाया गया है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं या आप क्या कमाते हैं, आप हमेशा अपनी ज़रूरत की तिबी देखभाल हासिल कर सकेंगे। डग फोर्ड ने इस माहदे को तारीखी करार देते हुए कहा, यह सियासी धारियों से कतः नज़र तरजीहात को आगे बढ़ाने के बारे में है और हदफ बनाए गए प्रोग्रामों को फंड देने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, यह नई फंडिंग इस अहम काम को तकवीत देगी जो हम ओंटेरियो में कर रहे हैं। अमेरिका में तैनात कैनेडा की सफीर का कहना है कि कैनेडा के सफारतकार सबक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीरों और कांग्रेस के इतिहादियों से बात कर रहे हैं।
कि अगर ट्रंप अगले साल व्हाइट हाउस वापस आते हैं तो मजबूत ताल्लुकात की बुनियाद रखी जाए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीका में तैनात कैनेडा के सफीर का कहना है कि कैनेडा के सिफारतकार साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीरों और कांग्रेस के इत्तेहादियों से बात कर रहे हैं कि अगर ट्रंप अगले साल व्हाइट हाउस वापस आते हैं तो मजबूत ताल्लुकात की बुनियाद रखी जाए। सफीर क्रिस्टन हिलमैन ने नोट किया कि ये बातचीत मुस्बत रही और ना ही ट्रंप के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के साथ जब वो सदर थे तो कभी कभी ठंडे ताल्लुकात की तरफ से मुतला किया गया था और ना ही ट्रूडो और लिबरल्स ने हाल ही में ट्रंप की दाएं बाजू की पॉपुलरिज्म का हवाला देते हुए बताया था। हिलमैन का कहना था कि हम नताइज पर तवज्जो मरकूज करते हैं, हम वाकई इस बात पर तवज्जो मरकूज करते हैं कि वो कौन सी पॉलिसी मसाइल हैं जो अमरीकियों और कैनेडियनों के लिए बुनियादी हैं। इन नताइज में ट्रंप की पहली मियाद के दौरान शुमाली अमरीका के आज़ाद तजारती मुहिदे पर दोबारा गुफ्तगुशनी शामिल है, जिसे हिलमैन ने कहा कि अमरीकी और कैनेडियन हुकाम दोनों वाकई एक अहम कामयाबी के तौर पर मानते हैं। उन्होंने कहा कि सियासत दूसरी मुश्तरका तरजीहात पर भी बातचीत नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरा तजर्बा यह है कि इन मकामी मसाइल पर इक्तिसादी सलामती, माहौलियाती तहफ़ुज़, कौमी सलामती, खुराक की हिफाजत ये मुतासिबाना मसाइल नहीं है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों अपने वोटरों और अपने हलकों के लिए इन चीज़ों की यकीन दहानी कराना चाहते हैं। हिलमैन ने वाज़े किया कि किसी भी नतीजे की तैयारी के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों के साथ बातचीत की जा रही है। हालिया हफ्तों में ट्रंप की दूसरी मियाद का इम्कान शदीद हो गया है। हिलमैन इस बात पर जोर देती है कि जनवरी में व्हाइट हाउस पर कौन कब्जा करेगा। इस पर तवज्जो देने के बावजूद उनकी सिफारती टीम कांग्रेस में दोनों जमातों के साथ ताल्लुकात बनाने और बरकरार रखने को यकसां अहमियत दे रही है। कनाडा के पब्लिक सेफ्टी के वजीर डोमिनिक लीब्लांक का कहना है कि वफाकी हुकूमत कनाडा में गाड़ियों की चोरी के बढ़ते हुए मसले से निमटने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के पब्लिक सेफ्टी के वजीर डोमिनिक लीब्लांक का कहना है कि वफाकी हुकूमत कनाडा में गाड़ियों की चोरी के बढ़ते हुए मसले से निमटने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। ये मसला इस हफ्ते ऑटावा में होने वाले सरबराही इजलास का मौजू था, जिसमें सियासतदानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सनत के नुमाइंदों को एक मुतहद रद्द अमल का पता लगाने के लिए इकट्ठा किया गया था। क्यूबेक और ऑन्टेरियो में 2022 में गाड़ियों की चोरी के वाकयात में तकरीबन 50% इजाफा हुआ। इसके साथ बहरे ओकियानूस कनाडा में 35% इजाफा हुआ। माहरीन ने खबरदार किया है कि कनाडा तेजी से गाड़ियों की चोरी और दोबारा फरोख्त के लिए एक जरिया कौम बनता जा रहा है। लीब्लांक ने कहा, हुकूमत की कोई भी सतह इस मसले को खुद हल नहीं कर सकती। हम इस खौफ के एहसास और इस मायूसी को पूरी तरह समझते हैं जो लोग महसूस कर रहे हैं, और ये मुल्क के बड़े शहरों में है लेकिन ये छोटी बिरादरियों में भी है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और उनकी काबीना के वज़रा ने यह भी तजवीज़ किया है कि वो बार बार मुजरमों या गाड़ियां चोरी करते हुए पकड़े गए मुनज़्ज़िम जराइम से मुंसलिक अफराद के लिए सख्त मुजरमाना सजाएं देने के लिए तैयार हैं। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम वाशिंगटन DC पहुँच गए हैं, जहाँ वो अमरीकी सदर जो बाइडन से पीर को मुलाकात करेंगे। तवक्को के मुताबिक मुलाकात के दौरान गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम वाशिंगटन DC पहुंच गए हैं। अल जजीरा के मुताबिक उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम वाशिंगटन DC पहुंच गए, जहां वो अमरीकी सदर जो बाइडन से पीर को मुलाकात करेंगे। तवक्को के मुताबिक मुलाकात के दौरान गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरे की मेजबानी व्हाइट हाउस कर रहा है, जिसने एक बयान में कहा है कि दोनों रहनुमा गजा में बहरान के पायदार खात्मे की कोशिशों के साथ साथ उर्दन और अमरीका के दरमियान मजबूत दो तरफा ताल्लुकात पर भी बात करेंगे। उर्दन के सरकारी मीडिया पर चंद रोज कबल एक वीडियो आई थी, जिसमें बादशाह अब्दुल्ला दोम को गजा को फिजा से तिबी सामान पहुंचाने में जाती तौर पर मदद करते हुए दिखाया गया था। ये अमरीकी दौरा उसके बाद से। फिलहाल इतना ही। अपनी मेजबान निमरा कवल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।